अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस तक देख ली थी। अब हमने मेनली वो मेथड्स देखने हैं जो के हम यूज़ करेंगे, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब फर्स्टली इसमें है कि ये भी AAS यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के, उसमें डिफाइंड है कि जो ऑडिट एविडेंस है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकते हैं या उन स्टेटमेंट्स को गो थ्रू कर सकते हैं या उन स्टेटमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं जो कि आपने ऑडिटिंग के दौरान जो है कोई अगर स्टेटमेंट आपने देखी है जो कि अनफेयर मीन्स है, ठीक है, या उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि अनफेयर है, तो आप क्या करते हैं उसको बेसिकली क्या करते हैं कि आप उसके साथ एक एविडेंस भी साथ रखते हैं कि अगर आपने कोई कमेंट दिया है किसी कंपनी पे तो उसकी बेसिस क्या है। आप कोई भी बात ऐसी वर्बली नहीं कह सकते किसी भी कंपनी के बारे में एज एन ऑडिटर, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अब इसमें जो फर्स्ट कह लो मेथड है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में बेसिकली एक ऐसे स्टेप है जिसमें आप सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करते हो, यानी कि सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हो, सारे रिकॉर्ड्स को, और आप जो हो सारे डॉक्यूमेंट्स को कह लो कि एग्जामिन करते हैं, एंड देन आप सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी स्टेटमेंट्स हैं, इन सबको एग्जामिन करते हैं, एंड देन ये देखते हैं कि क्या इसमें से कोई इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, अब इसमें फोर मेजर कैटेगरीज इन्होंने बताई हुई हैं, बेसिकली वो हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, जिसकी मदद से जो ऑडिटर है उसको डिफरेंट कह लो रिलायबिलिटी मिलती है, किसको, ऑडिटर को। ठीक है, अब फर्स्टली इन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंड हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो के किसी थर्ड पार्टी से आपको रिसीव हो रहे हैं, जैसे कोई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन आपको बता रहा है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो इंटरच है किसी भी तरह, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आपको कोई चीज़ मतलब बता रहा है, कोई मैनेजर, कोई ऐसा बंदा, कोई एम्प्लॉय जिसके पास एविडेंस भी है, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय आके कोई चीज़ बोल दे, नहीं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, मींस कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बेसिकली जो भी बात आप कह रहे हो। फिर थर्ड सेकंड है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एंड हेल्ड बाय द एंटिटी। अब ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी थर्ड पार्टी ने तो इशू किए हुए, ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ही हैं, यानी कि देखो जो फर्स्ट वाला है उसमें मे बी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थर्ड पार्टी के पास ही हैं, लेकिन जो सेकंड वाला सिनेरियो है या सेकंड वाली कंडीशन है उसमें ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स किसी थर्ड पार्टी की तरफ से हैं लेकिन वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसी के पास है। फिर थर्ड एविडेंस कौन सा है जो कि थर्ड पार्टी जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कह लो रिकॉर्ड्स हैं लेकिन वो किसी और पार्टी के पास है, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन है इस तरह की जो बनाई तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो भी सर्टेन ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकिन किसी थर्ड पार्टी के पास है। दूसरा ये है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंड हेल्ड बाय एंटिटी। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं वो एंटिटी से ही ऑरिजिनेट हुए हुए हैं, प्लस है भी किसके पास, आपकी जो भी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के पास। ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको एक ऑडिटर को एक एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी हवाले से, ठीक है, ऑडिटिंग के लिहाज से किसी भी हवाले से और कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, फिर आ जाता है इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट इज़ वन ऑफ द मेथड्स टू ऑब्टेन रिलायबल एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टिंग बट नॉट नेसेसरी एज टू देयर ओनरशिप और वैल्यू। इसमें ये बात है कि देखो जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं
इनकी मदद से आप रिलायबल कह लो एविडेंस जनरेट कर सकते हैं कि जितने एसेट्स उन्होंने शो कराए हुए हैं टेंजिबली कंपनीज ने, आप उनको मेक श्योर कर सकते हो इतने हैं भी या नहीं है। मे बी कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में एक लोन शो कराया हुआ हो कि जो उन्होंने लिया ही एसेट्स की बेस पे है, या उन्होंने कोई प्लांट लगवाना है उसकी बेस पे, लेकिन एट लास्ट उन्होंने मे बी उस तरह से कुछ लिया ही ना हो। फिर सेकंड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली इसमें ये होगा कि आप कोई प्रोसेस या कोई प्रोसीजर को क्या कर रहे हो, विटनेस कर रहे हो। इसमें बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें आप जो है सारी चीज़ों को खुद ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो है वो देख रहे हो कि आपको लगे कि कोई कह लो गलती है या कोई चीज़ जो है वो मिसमैच है, तो आप उसका एविडेंस जो है वो रख सकते हो या एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। फिर इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन है, आपको जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो कि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ जो है सही नहीं है किसी भी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप क्या करोगे कि वो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन किसी नॉलेजेबल पर्सन से भी शेयर कर सकते हो जो कि इनसाइड या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। प्लस एक और चीज़ इसमें यह आएगी कि जो कह लो कि जो भी बंदा या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि आप जो उनके साथ मतलब एक ऐसा बंदा जो कि मतलब ट्रस्टवर्दी भी हो, ऐसा ना हो कि वो बंदा ट्रस्टवर्दी ना हो, कोई ट्रस्टवर्दी बंदे के साथ पर्सन के साथ आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके डिस्कस करो, ठीक है, या उससे कंफर्मेशन आपको लगे कि हाँ ये बंदा जो है बता सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम्स नहीं होती, वो उन उन लोगों के पास से इन्वेस्टिगेशन करती हैं जहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा कह लो लगता है कि हाँ ये लोग हमें क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे या सही इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। फिर फोर्थ वन जो इसका कह लो टाइप है वो है रिकम्प्यूटेशन। रिकम्प्यूटेशन में बेसिकली होता ये है कि आप सारी जो भी मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल कह लो डॉक्यूमेंट्स में है ना फिगर्स हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, उनको क्या करें रिकम्प्यूट करें, या जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उन सबको, उनकी जितनी भी कैलकुलेशंस है उसको रिकम्प्यूट करके टैली करें कि क्या कोई चीज़ ओवर स्टेट या अंडर स्टेट तो नहीं हुई भी, या किसी चीज़ में या किसी स्टेटमेंट में कुछ एरर तो नहीं है। आप लोगों ने इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरा लास्टली एनालिटिकल रिव्यू, ये बेसिकली लास्ट स्टेज या लास्ट टाइप कह लो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कह लो, क्योंकि इसमें आप ऐसे सिग्निफिकेंट स्टडी करोगे, डिफरेंट रेशियोज़ की ट्रेंड्स की इन्वेस्टिगेट करोगे हर चीज़ के बारे में, जितनी भी आइटम्स हैं जितनी भी फ्लक्चुएशंस है, कोई चीज़ अगर आपकी स्टेटमेंट्स में शो हो रही है उसके आप सिग्निफिकेंस ढूंढने की कोशिश करोगे, वजह ढूंढने की कोशिश करोगे, प्लस उस पर एक एनालिटिकल रिव्यू दोगे कि ये चीज़ जो यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई है, क्या किसने कंपनी ने कोई चीज़ अगर मेंशन की हुई है क्या इसमें मतलब 100% श्योरिटी है या नहीं है, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह इसको कल देख लेंगे, लास्ट तो नहीं खैर सेकेंड लास्ट होगा, हम इसको कल देख लेंगे।